स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एसिड बेस के इफेक्ट को नेगलेक्ट करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को नेगलेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन से लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में ऐसे समझ लीजिएगा कि जब अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट करता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है, तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसने रिएक्शन की अम्ल से और इसने सोडियम क्लोराइड बनाया जो कि एक लवण है और वाटर बनाया H2O। ठीक है, ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस है और ये लिक्विड है। एक्वस मतलब इसमें जल का सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन, और ये ओनली लिक्विड है। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओनली लिक्विड है। ओके, इसी प्रकार देखिए, इस प्रकार वह अभिक्रिया, दूसरे वर्डों में इस प्रकार वह अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ, आप इसको रिमाइंड कर लीजिएगा अच्छे से, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में विलयन से लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये क्षार हो गया और ये अम्ल हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन की और सोडियम क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया किस किस के बीच होती है, क्षार और अम्ल के बीच होती है। ठीक है, तो अब इसे दूसरे वर्डों में हम इस तरीके से ले सकते हैं, इस प्रकार वह अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कीजिए और नोट कर दीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विद न्यू टॉपिक उदासीनीकरण, ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरीके से नेगलेक्ट करते हैं, तब उसमें प्राप्त होने वाली ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा की ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी अम्ल या क्षार के एक तुल्यांक को किसी प्रबल अम्ल या क्षार के जलीय विलयन द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन किया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से उदासीन कर दे तो उसकी उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। दूसरे शब्दों में सुन लीजिएगा, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, अतः प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा H+ आयन कंसंट्रेशन तथा OH- आयन कंसंट्रेशन आयनों द्वारा जल H2O निर्माण की ऊष्मा के बराबर होती है। अतः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा फिक्स होती है, नियत होती है। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है HCl, ये अम्ल हो गया, एक्वस ले लिया हमने इसको, और उसके बाद है NaOH, ये भी एक्वस है, जलीय है, पानी घुला हुआ है। इन दोनों की रिएक्शन से हमें प्राप्त हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर प्राप्त हुआ और 13.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये 13.7 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है, ये इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा है। क्या है, इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी आर रिमाइंडिंग दिस टॉपिक वंस अगेन, उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी अम्ल या क्षार के एक तुल्यांक को किसी प्रबल अम्ल या क्षार के जलीय विलयन द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन करती है। ठीक है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। ओके, अतः प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा H+ तथा OH- आयनों द्वारा जल H2O, है ना, जल को क्या कहते हैं, H2O, निर्माण की ऊष्मा के बराबर होती है। अतः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा निश्चित होती है, नियत होती है। देखिए, ये प्रबल अम्ल है, इसने प्रबल क्षार से अभिक्रिया की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, वाटर बना लिया, और इसकी ऊष्मा
और इस रिएक्शन में कितनी ऊष्मा निकली, 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकली, जो इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अपने टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कीजिएगा और उसके तत्पश्चात आप इसको बहुत ही पॉपुलर तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच, स्टे एट होम, बी सेफ। ओके।